बिग बॉस 16 में आज के एपिसोड में प्रियंका को दी जाती है ब्रेकफास्ट की ड्यूटी, जहां अर्चना और सौंदर्य ये तय करते हैं कि आज मेथी के पराठे बनाए जाएंगे, जिसे सुनके प्रियंका कहती है कि आज मेरी ड्यूटी है तो सबको पराठे खाने हैं। जहां बार बार अर्चना प्रियंका से कहती है कि मेथी अच्छे से धो के साफ करके फिर काटना, जिसपे प्रियंका कहती है वो धोने काटने का काम मैं नहीं करूंगी, किसी और को मुझे करके देना होगा, और मेरी ब्रेकफास्ट की ड्यूटी मुझे कैसे करनी है वो मुझे आप नहीं बताएंगे, जब आप कैप्टन बनोगी तभी मैं आपका मानूंगी। प्रियंका सौंदर्य से कहती है कि प्लीज मुझे कोई असाइन करके दो जो मेथी काट के दे। फिर प्रियंका गिनती के हिसाब से सबको नाश्ते में पराठे दे देती है। नाश्ता बनाने से पहले ही प्रियंका ने सौंदर्य से कहा था कि मैं मेरे और अंकित के लिए अलग से सादे पराठे बनाऊंगी। वही सबका नाश्ता खत्म हो जाने के बाद प्रियंका अपने और अंकित के लिए सादे पराठों के साथ साथ मेथी का पराठा भी लेती है, जिसे देख के अर्चना भड़क जाती है। जहां अर्चना बार बार प्रियंका के सामने बैठ के उसे गैस पोंछने का तरीका सिखाती है, वहीं अर्चना प्रियंका से पूछती है कि तेरे और अंकित वाला आटा बचा कैसे, इसका मतलब है तूने नाश्ते में जिन्होंने चार चार पराठे बोले थे उन्हें सिर्फ 3 पराठे खिलाए और बचे हुए पराठे तेरे और अंकित के लिए ले लिए हैं। जहां प्रियंका बार बार कहती है कि मैंने अपने कमरे में से मेरे और अंकित के लिए मेथी के पराठे में थोड़ा सा आटा लिया था और थोड़ा आटा सादे पराठे के लिए रखा था। अर्चना पूरे घर में सबको चिल्ला चिल्ला के कहती है कि प्रियंका ने चोरी की है, दूसरों के आटे में से मेथी के पराठे खा रही है। वहीं प्रियंका श्रीजिता और सौंदर्य को समझाती है कि मैंने पहली बार मेथी का पराठा बनाया है तो अंकित के लिए थोड़ा बचाया है और वो आटा मेरे ही कमरे से लिया था। फिर अर्चना शालीन, विकास, शिव और एमसी स्टैन से पूछती है कि तुमने जब चार चार पराठे खाने को कहा था तो 3 खा के खड़े क्यों हो गए। वे लोग कहते हैं हमारा पेट भर गया था इसीलिए। प्रियंका कहती है पहले मैंने मोटे पराठे बनाए थे जिससे इन्होंने कम खाया, लेकिन अर्चना अपनी बात पे डटी रहती है कि तूने सबको कम खिलाया और खुद के लिए बचा लिया है। अर्चना के इस चोरी के इल्जाम की वजह से प्रियंका बहुत रोती है और अंकित एक बार फिर से प्रियंका को समझाता है कि अब तुम उसके पास बिल्कुल मत जाना। तो व्यूअर्स, क्या आप एक्साइटेड है आज के एपिसोड में फिर से एक बार प्रियंका और अर्चना का खाने खिलाने की बात पे झगड़ा होते देखने के लिए?